जब अल्लाह ने रूहों को बनाना चाहा तो कहा कुन, बेशुमार रूहें बन गईं अल्लाह के सामने और करीब अरवाह नबियों की, फिर दूसरी सफ में वलियों की, फिर तीसरी सफ में मोमिनीन की, फिर इनके पीछे आम इंसानों की, फिर हद निगाह से दूर सफ में औरतों की रूहें बन गईं, फिर इनके पीछे हैवानी नबाती और फिर ऐसी जमादी अरवाह जिनमें हिलने जुलने की ताकत भी न थी नमूदार हो गई। अल्लाह ने सब रूहों से ये भी पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ। सब ने इकरार किया और सजदा किया था, यानी पत्थरों और दरख्तों की रूहों ने भी सजदा किया था। फिर अल्लाह ने रूहों के इम्तिहान के लिए मुस्लिम दुनिया और लज्जात बनाए और कहा अगर कोई इनका तालिब है तो हासिल कर ले। बेशुमार रूहें अल्लाह से मुंह मोड़ कर दुनिया की तरफ लपकी और दोजख उनके मुकद्दर में लिख दी गई। फिर अल्लाह ने बहिश्त का नजारा दिखाया जो पहली हालत से बेहतर अतात और बंदगी वाला था। बहुत सी रूहें उधर लपकी और उनके मुकद्दर में बहिश्त लिख दी गई। बहुत सी रूहें कोई फैसला न कर पाई, इन्हें फिर रहमान और शैतान के दरमियान कर दिया। वही रूहें दुनिया में आकर बीच में फंस गईं, फिर जिसके हाथ लग गईं उसी की हो गईं। बहुत सी रूहें अल्लाह के जलवे को देखती रहीं, न दुनिया की तलब और ना ही जन्नत की तलब। अल्लाह को उनसे मोहब्बत और उन्हें अल्लाह से मोहब्बत हो गई। उन्हीं रूहों ने दुनिया में आकर अल्लाह की खातिर दुनिया को छोड़ा और जंगलों में बसेरा किया। रूहों की तालीम तरबियत और मदारिज के लिए मजाहिब की सूरत में मदरसे कायम हुए और रोजे अजल की तकदीर के मुताबिक कोई किस मजहब में और कोई बेमजहब ही रहीं। अल्लाह की मुहिब रूहें भी इस दुनिया में आईं, कोई मुस्लिम के घर, कोई हिंदुओं, कोई सिखों और कोई ईसाइयों के घरों में पैदा हो गईं और अपने मजहब के जरिए अल्लाह को पाने की कोशिश करने लगीं। यही वजह है कि हर मजहब के खास ने रहबानियत इख्तियार की। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, ये अकीदा गलत है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में जाया करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी, दाता अली हजमेरी, बड़ी इमाम शहबाज कलंदर वगैरह ने भी रहबानियत के बाद ही इतने बुलंद मुकाम हासिल किए और इन्हीं के जरिए दीन की इशात हुई। अल्लाह की मुहिब रूहें जो रोज़े अज़ल से उसके नज़ारा में गुम होकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, इस दुनिया में आकर भी अपना तन मन धन कुर्बान करके उसकी तलाश में जंगलों बयाबानों में निकल पड़ी। साला साल की रियाजत, इबादत और मुजाहदात के बाद अपने रब के जलवा को दोबारा पाने में कामयाब हुई। वो रूहें जिन्हें दुनिया अंबिया, सिद्दीकीन, सालेहीन और औलिया अल्लाह के नाम से जानती है, अपने अपने मरातब पाने के बाद हुक्म रब्बी से खल्के खुदा को फैज पहुंचाने पर मामूर हुई। तारीख ऐसी बरगजीदा हस्तियों के नामों से भरी पड़ी है जिन्होंने खालिस्तन अल्लाह की रजा की खातिर अपना घर बार, दुनिया की आसाइशें, हत्ता कि अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हक के परचम को बुलंद कर दिया। आज हम आपको एक ऐसे ही मर्द कलंदर के बारे में तफसीलन बताएंगे जिन्हें दुनिया हजरत सैयदना रियाज अहमद कोहर शाही के नाम से।
ولادت باسعادت 25 نومبر 1941 بروز جمعرات بوقت فجر آبائی گاؤں ڈھوک گھور شاہ میں ہوئی۔ ڈھوک گھور شاہ گوجر خان کے نواح میں بردیانہ بس سٹاپ کے مغربی جانب واقع ہے۔ گوجر خان راولپنڈی سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں سے مقامی بسیں بردیانہ بس سٹاپ ڈھوک گھور شاہ کی طرف جاتی ہیں۔ آپ کے جد امجد بابا گوہر علی شاہ کے نام سے آباد اس گاؤں کو تقریباً 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ موجودہ دور میں آبادی 24-25 گھروں پر مشتمل ہے، جن میں 100-125 افراد کے لگ بھگ رہائش پذیر ہیں۔ گاؤں میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے بابا جی نے خود کنواں کھودا۔ بابا صاحب کا کنواں گاؤں والوں کے لیے نعمت ثابت ہوا۔ یہی کنواں اب تک گاؤں میں پانی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ بعد میں کنویں کے ساتھ ہی سرکار گوہر شاہی کے حکم سے یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سرکار کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ پہلے یہ گھر کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اس جگہ ایک لائن میں کمرے ہوا کرتے تھے۔ جائے ولادت کا کمرہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اب یہاں پر گھر کا صحن ہے اور اس کی مخالف سمت میں کچے کمروں کی جگہ جدید طرز تعمیر نے لے لی ہے۔ آپ کے والد گرامی الحاج فضل حسین شاہ صاحب ملازمت کے سلسلہ میں ذہنی مقیم تھے۔ ابتدائی قرآن مجید کی تعلیم مدرسہ نظامیہ دہلی ہندوستان میں حاصل کی، جس کے سرپرست خواجہ حسن نظامی تھے۔ نڈالی گاؤں کا یہ اسکول، جہاں سرکار گوہر شاہی نے مڈل لیول تک تعلیم حاصل کی، یہ اسکول ڈھوک گھور شاہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو کہ موجودہ دور میں ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت میں موجود ہے۔ میٹرک اور انٹر پرائیویٹ کیا، اس کے بعد ٹیکنیکل تعلیم، موٹر مکینک، ویلڈنگ انجینئرنگ، الیکٹریکل اور وڈ ورک وغیرہ کا سب کام پرائیویٹ اداروں میں ہی سیکھا۔ گاؤں کے شمال میں تھوڑی دور آبائی قبرستان موجود ہے۔ بابا گوہر علی شاہ رحمت اللہ کی قبر مبارک کے ارد گرد پہلے 4 دیواری تھی۔ بعد میں قبلہ سرکار شاہ صاحب نے روضہ مبارک تعمیر کروایا۔ اس قبرستان میں آپ کی والدہ محترمہ کی قبر مبارک اور آپ کے صاحبزادے راحیل گوہر عرف شانی بابا، جن کا انتقال 3 سال 9 ماہ کی عمر میں رمضان المبارک کی 4 تاریخ کو ہوا، ان کا مزار بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قبور بھی موجود ہیں۔ ابتدائی ایام میں سرکار گوہر شاہی نے ایران اور بنگلہ دیش کا سفر بھی کیا۔ سفر سے واپسی پر آپ نے جہلم میں کچھ عرصہ کے لیے کینٹین کھولے رکھی۔ سرکار گوہر شاہی اپنی تحریر روحانی سفر میں لکھتے ہیں، جب سنہ بلاغت کو پہنچا تو فقیری کا شوق انتہا کو پہنچ چکا تھا، لیکن سیرابی کسی طریقے سے نہ ہو رہی تھی۔ دن رات بابا گوہر علی شاہ کے مزار پر بیٹھا درود شریف پڑھتا رہتا، جتنے نوافل پڑھ جا سکتے پڑھ لیتا، تہجد بھی پڑھتا، لیکن جس راستے کی تلاش تھی اس کا نام و نشان نہ ملتا۔ راول پنڈی صدر جی پی او سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر سرکار گوہر شاہی کے جد امجد بابا گوہر علی شاہ کا یہ دوسرا مزار ہے۔ بکر منڈی کا یہ علاقہ، جہاں آپ کچھ عرصہ کے لیے مقیم رہے، آپ کی گدڑی اور اثار یہاں دفن ہیں۔ بابا گوہر والے کے نام سے مشہور یہ مزار، جہاں کثیر تعداد میں لوگ آ کر اپنی منتیں مانتے ہیں، آپ کے گاؤں والے مزار سے زیادہ یہاں پر فیض کا سلسلہ زیادہ مانا جاتا ہے۔ دیول شریف، یہ وہ مقام ہے جہاں سرکار گوہر شاہی ابتدا میں روحانیت کے حصول کے لیے آئے۔
आप फरमाते हैं, हमारी बरादरी के एक पुलिस इंस्पेक्टर जो पीर साफ अब देवर शरीफ के मुरीद थे, मशवरा दिया कि ये रास्ता बगैर मुर्शिद के तय नहीं होता। पहले किसी का दामन पकड़ो और मैं पीर साहब अफदेवल शरीफ से बैत हो गया। उन्होंने नमाज पढ़ने की ताकीद की और एक तस्बीह अल्लाहू पढ़ने की बताई, और जब भी तन्हाई मिलती अल्लाहू पढ़ता रहता। देवल शरीफ रावलपिंडी से 54 किलोमीटर के फासले पर बरास्ता कोहेमरी भूरबन वाक्या है। देवल संस्कृत जुबान का लफ्ज है। मौजूदा आबादी 30,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इसकी शुमार और मगरबी जानेब फ्रंटियर और मशरकी जानेब आजाद कश्मीर का इलाका है, और सूबे पंजाब की आखिरी सरहद पर वाकया है। उस वक्त के सजादा नशीन पीर अब्दुल मजीद से सरकार गोहर शाही बैत हुए, जो कि जामे मस्जिद मुस्तफा के पेश इमाम थे। आपके वालिद का नाम मियां अब्दुल्ला था, जिनका मजार यहाँ मौजूद है। तकरीबन एक साल गुजरने के बाद जब रूहानी प्यास बुझती नजर न आई तो आपने पीर साहब से बैत तोड़ दी और किस्मत आजमाने के लिए गोलर शरीफ का रुख किया। गोलर शरीफ पीर मेरे अली शाह साहब की नस्बत से मशहूर इस्लामाबाद के नवाह में ये छोटा सा शहर, जहाँ सरकार गोहर शाही साहबजादा मोइनुद्दीन से बैत हुए। उनसे मुलाकात का अहवाल सरकार ने कुछ यूं बयान फरमाया। अब गोलन शरीफ साहबजादा मोइनुद्दीन साहब से बैत हुआ, उन्होंने नमाज के साथ एक तस्बीह दुरूद शरीफ की बताई। मैंने कहा, कोई ऐसी इबादत बताएं जो मैं हर वक्त कर सकूं, बकौल इस आयत के, जब नमाज पढ़ लो तो मेरे जिक्र में मशगूल हो जाओ, उठते बैठते हत्ता की करवटें लेते भी। उन्होंने कहा कि तू किस जमाने में ऐसी बात करता है, ऐसे तालिब खत्म हो गए, जा नमाज पढ़, गुनाहों से तौबा कर, एक तस्बीह रोजाना दुरूद शरीफ की पढ़ा कर, माँ बाप की खिदमत कर, रिज़्क हलाल खा, और हमारे आस्ताने पर हाजिरी भी दिया कर, बस यही काफी है। मैंने कहा, नमाज भी पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ की भी कई तस्बीहें पढ़ता हूँ, लेकिन प्यास नहीं बुझती। उन्होंने कोई जवाब न दिया और बेरुखी से दूसरे शख्स की तरफ मुतवज्जो हो गए, और फिर थोड़ी देर बाद आस्ताने से उठकर चले गए। मैंने यही समझा कि इनके पास भी जाहिरी लिबादा है, वरना तालिब से इस तरह कोई बेरुखी नहीं करता, और बैठे ही बैठे वहां से भी बैत टूट गई। मजार के इस खूबसूरत इहाते में एक जानेब खूबसूरत मजार, वसी मस्जिद, और वजू के लिए हौज मौजूद है। सरकार गोहर शाही के आबाई गांव गोहर शाही के नवाब में साल बाबा के नाम से एक बुजुर्ग का मजार है। वहां आपने मुसलसल 40 रोज तक चिल्लाकशी भी की। रूहानी सफा में तहरीर है कि जान रातार के दरबार पर चला जा, वो जीरो पीर है, तुझे अपने रहम का इशारा मिल जाएगा। मैं जान रातार के दरबार पर पहुंचा, इशा की नमाज पढ़ी, कुछ नवाफिल भी पढ़े, और थकन की वजह से जल्दी नींद आ गई। रात का कोई हिस्सा था, देखा तो एक बुजुर्ग सामने खड़े थे। उनके करीब दो आदमी और भी थे, जो सिर्फ एक एक धोती पहने हुए थे। बुजुर्ग ने कहा, इनके साथ जाओ और विश्वा के काट लाओ। मैं इन दो आदमियों के साथ करीबी जंगल में चला गया और झाड़ की विश्वा के तोड़ने लगा। ये वाकया रूहानी सफर में तफसीलन दर्ज है। जाम दातार का पूरा नाम हजरत असगर अली शाह साहब है, सिंध में जाम साहब के नाम से मशहूर है। जिला नवाबशाह से 28 किलोमीटर के फासले पर मशरक की जानिब इनका मजार वाकया है। मजार के साथ ही कब्रिस्तान है। मजार शरीफ के शुमाल की तरफ आधा किलोमीटर के फासले पर वो जगह है जहां उस जमाने में जंगल था, और सरकार गोहर शाही को निस्वा के काटने के लिए भेजा गया था, जिसमें पीलों के दरख्त थे। मौजूदा दौर में जंगल की जगह खेतों ने ले ली है।
यहाँ से सरकार गौरवशाही का घर वापसी और 12 साल पर मुहित कारोबारी अजवाजी जिंदगी का अरसा है। गुजर खान रावलपिंडी से 50 किलोमीटर के फासले पर ये शहर जहाँ सरकार गौरवशाही ने इलेक्ट्रिक और स्पेयर पार्ट्स के कारोबार का आगाज किया। मेन रोड पर मौजूद इन चार दुकानों में से एक दुकान आपने किराए पर ली। मौजूदा दौर में निशानदेही के लिए दुकानों के करीब जिना होटल और मैरिज हॉल है। ये टेंच भाटा मुकलाबाद बाजार रावलपिंडी है, जहां आपने गैस के चूल्हों की इंडस्ट्री लगाई, जिसका तस्करा रूहानी सफर में इन अल्फाज के साथ मौजूद है। मेरी इंडस्ट्री का कारोबार खूब चमकने लगा, इंडस्ट्री में काफी मेहनत की, खूब पैसा कमाया, अच्छा खासा कारोबार किया। कुछ अरसा सांगड़ में भी आपने इलेक्ट्रिकल का कारोबार किया। रूहानी सफर में साईं असलम का वाकया तहरीर है। हम सिर्फ इस इलाके की निशानदेही कर रहे हैं। रावलपिंडी पुराना लालाजार तुलसा रोड के करीब साईं असलम का ये घर वाकया है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि बहुत अरसा पहले सरकार गौरवशाही मेरे पास तशरीफ लाए थे। रूहानी सफर में हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह का भी तस्करा तहरीर है। एक दिन मैं बड़ी सरकार की मजार पर गया, वही बुजुर्ग एक साई की शक्ल में चादर पर बैठे नजर आए। हर सवाल का जवाब तसल्ली बख्श दिया। अब मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये बुजुर्ग इमाम बरी की रूह मुबारक है। इमाम बरी सरकार के रूहानी हुक्म से आप सरकार ने 3 दिन के अंदर तज़किए नफ्स के लिए दुनिया तर्क कर दी। इमाम बरी सरकार का वाकया सरकार गौरवशाही की तसनीफ रूहानी सफर में तफसीलन दर्ज है। इस साया यानी इमाम बरी सरकार ने हुक्म दिया कि अब तज़किए नफ्स के लिए 3 दिन के अंदर अंदर दुनिया छोड़ दो। हुक्म को 3रा दिन था, रात के 12 बज रहे थे। आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे कदमों से नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हुआ। कदम लड़खड़ा रहे थे, इतने में एक टैक्सी करीब आकर रुकी। पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, GTS के अड्डा पर। टैक्सी सड़क पर दौड़ रही थी और मैं अपने आबाई शहर को हमेशा के लिए खैराबाद कह रहा था। सरकार गौरवशाही पहले लाहौर टाटा साहब पहुंचे। और फिर शाहकोट के नजदीक सुल्तान अल फुकरा हजरत सखी सुल्तान रहमतुल्लाह के दरबार पर हाजिर हुए। आप फरमाते हैं कि उन्हीं के हुक्म से दुआ खरीदी और फिर सहन शरीफ रवाना हो गया। बस के तमीज सफर में उठता रहा। उसकी हर सत्र मेरे दिल पर असर कर रही थी। एक जगह पे लिखा था कि जो इस किताब को पढ़कर भी वासिल बिल्ला न हुआ, कमबख्त बेनसीब है। सरकार गौरवशाही मुजिब के वक्त हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के दरबार पर पहुंचे। लोग धमाल कर रहे थे और अपने हाल से बेखबर लौटपोट हो रहे थे। सरकार फरमाते हैं कि मेरे कान में आवाज आई, शहबाज के आशिकों का ये हाल है और तू अल्लाह के इश्क का दावेदार है।
स्टेशन के सामने वाली पहाड़ी पर चला जा और जो तरीका नूह खुदा में लिखा है उसी तरीके से तसव्वुर के साथ इस मिजाज का जिक्र कर। मैं उसी वक्त पहाड़ी की तरफ चला गया और इस मिजाज के जिक्र में मशगूल हो गया। दिल की धड़कन सखी सुल्तान दौर रहमतुल्लाह के दरबार से ही नुमाया हो गई थी और आज वही धड़कन अल्लाहू में तब्दील हो गई थी। मैं अपनी किस्मत पर बहुत खुश था कि जिस राज को बचपन से ही दरबारों गारों और जंगलों में ढूंढता फिरता रहा था अपने कल्ब में पाया। सेवन स्टेशन के साथ ये वो पहाड़ी टीला है जो तजल्लीगाह के नाम से मशहूर है, जहां कलंदर पाक ने सरकार को इस मिजाज की मशक के लिए भेजा था। इस जगह का वाकया कुछ यूं है कि आज की शब यानी 15 रमजान अल मुबारक जब सूरह मुजम्मिल की तलावत कर रहा था, मैंने देखा कि फजर का समा हो गया और पहाड़ी के इर्द गिर्द बेशुमार कुर्सियां बिछ गईं और फिर इन कुर्सियों पर बेशुमार बुजुर्ग अरबी लिबास में मलबूस रौनक अफरोज हुए। 13 आदमी मेरे करीब खड़े कर दिए गए और एक सदा आई, आज चुनाव होने वाला है। वो आदमी मुझसे काफी बड़े थे, किसी ने सिर्फ कपड़े की धोती और किसी ने दरख्तों के पत्तों से अपना जिस्म ढांपा हुआ था। मालूम होता था कि अरसा से जंगलों में चिल्ले वजीफे कर रहे हैं। इतने में आसमान से बिजली की मानन एक लंबी रो आई और मेरे जिस्म पर आन गिरी। हाजरीन हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, कल का आया हुआ पुरानों पर सबकत ले जाए। इन 13 आदमियों के मुंह से निकला कि शायद भूल हो गई। इतने में दोबारा बरकी रो आई और मेरे जिस्म पर आन गिरी। इन 13 आदमियों में से किसी ने गुस्सा से किसी ने हैरत से मेरी तरफ देखा और चले गए। इस वाकया के बाद मेरा जिस्म सख्त भारी हो गया और मैं बगैर कोई मशक किए लेट गया। बाल बाल से अल्लाहू की आवाज सुनाई दे रही थी, हत्ता के दिल से ऐसी सुरीली आवाज आ रही थी जैसे कोई बच्चा अल्लाहू पढ़ रहा है। मैं जिस सिमत देखता लफ्ज अल्लाह लिखा नजर आता और अब दिल पर भी खुशखत सुनहरी लफ्ज अल्लाह नजर आया। बे इख्तियार जुबान से सुभान अल्लाह निकला। आज के बाद कई किस्म की मखलूक और कई बुजुर्गों की हवा मुझे देखने के लिए आते। सर्दियों के मौसम में सरकार गोहर शाही को लाल बाग में इस दरख्त के नीचे बैठने का हुक्म हुआ। यही जगह आपकी चिल्लागाह के नाम से मशहूर है। बाद में आपके मुरीदैन ने चार दीवारी बना के चिल्लागाह को महफूज कर लिया। चिल्लागाह की दाईं जानिब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह है। आपकी किताब रूहानी सफर में 50 साल मस्तानी माई का भी जिक्र है जो कि शैतान की चेली थी और सरकार गोहरशाही को तरह तरह के हीले बहानों से असल राह से हटाने पर मामूर थी। सरकार की चिल्लागाह के साथ ही इस जगह मस्तानी माई की झोपड़ी हुआ करती थी। लाल बाग में ये वो चश्मे हैं जहां सरकार गोहरशाही वुजू के लिए इन रास्तों से आते थे। इसी चश्मे के पास जो खजूर का दरख्त है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वाकया रूमा हुआ था। सरकार गोहरशाही फरमाते हैं कि रात के तकरीबन 3 बजे होंगे, जिक्र की मशक के बाद खड़े होकर दुरूद शरीफ का वित कर रहा था। फजर का समा हो गया, चश्मों की तरफ से बेशुमार मर्द औरतें कतार दर कतार खड़े हैं। सोचता हूँ कि आज कोई बुलंद मर्तबा मिलने वाला है। ये लोग मुझे देखने के लिए आए हैं, लेकिन ख्याल आता है कि इनकी पुश्त मेरी तरफ है, ये किसी और का इंतजार कर रहे हैं। मगरिब की तरफ से एक सब्ज रंग का रोजा उठता आ रहा है और जहाँ लोग जमा हैं वहीं उतर गया। रोजे में से एक नूरानी सूरत नमदार हुई, औरतों ने देख कर झूमना शुरू कर दिया। उनकी जुबान पर ये अल्फाज थे, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। मर्द भी झूम रहे थे और अस्सलात व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह पढ़ रहे थे। अब वो बुजुर्ग मजमा से गुजर कर मेरी तरफ बढ़े, जूं जूं करीब आ रहे थे, खुशी से आंसू जारी हुए जा रहे थे। देखने की ख्वाहिश है लेकिन नजर ऊपर को नहीं उठती। नूर है जिसे आंखों को देखने की ताब नहीं, न देखूं अरमान रहे और देखूं तो जान जाए। ये नहर लाल बाग के करीब ही वाकया है।
इन दोनों जब सरकार गोहरशाही लाल बाग में चिल्ला फरमा रहे थे, इसी नहर की रवानी किनारों तक थी। आपने रूहानी इशारे के मुताबिक इस पुल से नहर में छलांग लगा दी थी। हुक्मे रब्बी से पानी ने रास्ता आपके लिए छोड़ दिया और आप सही सलामत किनारे तक पहुंच गए। ये वाकया आपकी आजमाइश थी और आप फरमाते हैं हमें इस आजमाइश से भी गुजरना पड़ा। नहर के पास सड़क के किनारे ये चाय के उस होटल के निशानात हैं जहां सरकार गोहरशाही अक्सर चाय पीने के लिए। सरकार शाह साहब इस खिड़की के पीछे बैठकर मरीजों को दम फरमाते, इनके मसाइल सुनते और पानी भी दम करके दिया जाता जिससे बहुत से लाइलाज मरीज शफायाब हो जाते। ये सिलसिला आज भी जारी है। इसी जगह अंजुमन सरफरोशान इस्लाम की बुनियाद रखी गई जो 1989 में 4 अफराद पर मुश्तमिल थी और बाद में पूरे पाकिस्तान में इसके मराकज कायम हो गए। यहीं पर आपने रूहानी सफर जैसे तसव्वुफ पर मबनी कुतुब तहरीर फरमाई। मरहूम कबूल भी की मोटरसाइकिल इब्तदा में मिशन की फरोग के लिए सरकार शाह साहब के जरिए इस्तेमाल रही। खुदा की बस्ती कोटली, यह हैदराबाद के नजदीक जिला दादू की एक तहसील है। सरकार गोहरशाही की रहायशगाह है जो कि इब्तदा में बतौर आस्ताना के इस्तेमाल की गई। मरकजी एतकाफ और सलामा गैर शरीफ की इब्तदा भी यहीं से हुई। अल मरकज रूहानी अंजुमन सरफरोशान इस्लाम इंटरनेशनल। खुदा की बस्ती इस आस्तान की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब सरकार गोहरशाही की रूहानी मिशन का दायरा कार पाकिस्तान से निकलकर बैरूनी ममालिक तक फैल गया। सरकार शाह साहब की रहायशगाह से आस्ताना यहां मुंतकिल हुआ। रूहानियत के हसूल के लिए दूर दराज से बहुत सी तादाद में लोग यहां आते हैं। ये ललहाता परचम दूर से ही इस आस्ताने की निशानदेही करता है।
आस्ताने के मरकजी गेट से अंदर दाखिल होते ही आस्ताने की वसी मस्जिद मस्जिद गौसिया है। मस्जिद के सामने आस्थाने का वसी सहन है। सहन की दूसरी तरफ मस्जिद के मुकाबले रूहानी मदरसा है, जहां जदीद उलूम के साथ शरीयत तरीकत की तालीम भी दी जाती है। मदरसे से मुहित दाएं जानिब लंगर खाना है, जहां मेहमानों की तवाज़ो की जाती है। मस्जिद के दाएं जानिब आस्ताने का ये हिस्सा ख़वातीन के लिए मखसूस है, जिसे दीवार के जरिए मैदान आस्ताने से अलग कर दिया गया है। आस्ताने के इस हिस्से में ख़वातीन के लिए एक बड़ा हॉल वुजूखाना और सामने सरसब्ज वसी लॉन है। आस्ताने के लिए इस जगह का इंतखाब सरकार गोहरशाही ने खुद फरमाया, जैसा बातों में दिखाया गया था। आज हजरत सैयद आज़म गोहरशाही की ज़ाती वाला सिफात किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जो जवानों में साला साल अल्लाह की इश्क की खातिर घर बार अजीजों का दोस्त अहबाब को छोड़कर भूखे प्यासे रियाजत मुजाहदात की भट्टी से गुजरकर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के तहत दुनिया में इस मजात अल्लाह को आम करने की ड्यूटी पर मामूर हुए और अपने लोगों के इस पैगाम को आम करने के लिए दूर दराज का सफर तय किया। मस्जिदों इमाम बारगाहों गुरुद्वारों मंदिरों गिरजाघरों में इस तारीख साल खिदमत के जरिए अल्लाह की मोहब्बत की रूहानी फैज से लाखों मुर्दा करोड़ों को इस अल्लाह से जिंदा जावेद किया। आपके मजबूत से पाक पैगाम को पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान यूरोप अमेरिका कनाडा तक बेहद मकबूलियत हासिल हुई। फिरका परस्त किस्म के लोग आपकी इस कमी मकबूलियत को देखकर बुखला गए, तरह तरह के इल्जाम और फतवे लगाए गए। नवाज शरीफ और बरजी हुकूमत ने भी एजेंसियों का सहारा लेकर आपके मिशन को दबाने की नाकाम कोशिश की, मगर आपके गैर मुतजिल इरादों के सामने सब जेर हो गए।
فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کی شبِ مبارک چاند سورج حجر اسود مسجدوں مندروں میں ظاہر کر کے آپ کی عظمت دنیا پر آشکار کر دی۔ چاند پر شبی سے متعلق مختلف ممالک سے شہادتیں بھی موصول ہوئیں، کیمرہ سے چاند کی تصاویر لے کر کمپیوٹر پر تحقیق بھی ہوئی۔ بعد ازاں ناسا کو بھی اس شبی کی نشاندہی کرائی گئی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند پر چہرہ ہے جو کہ 200 میل لمبی روشنی سے معلوم ہوتا ہے۔ کچھ امریکی شہریوں نے بھی ناسا سے اس تصویر کے بارے میں وضاحت مانگی، مگر گوشائی کا مسلمان اور ایشیائی ہونے کی وجہ سے ناسا خاموش رہا۔ پاکستان کے مختلف اخبارات میں چاند اور حجر اسود میں سرکار گوہر شاہی کی شبیہ کے حوالے سے خبریں شائع ہوئیں۔ خود سرکار گوہر شاہی نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اس حوالے سے تحقیقات کی اپیل بھی کی۔ بجائے تحقیقات کے آپ کو مختلف مقدمات قائم کر کے اس مسئلہ کو دبانے پر مجبور کیا جانے لگا۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے عظیم روحانی شخصیت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی اپیل۔ میں حکومت پاکستان اور اس کے عمل داران سے اپیل کرتا ہوں کہ چاند اور حجر اسود پر تصاویر کے متعلق مکمل تحقیقات کرائیں۔ اگر یہ درست ثابت ہوں تو میری پشت پناہی کریں تاکہ پوری دنیا میں اللہ کی محبت کا پرچار اور تمام مذاہب کے دلوں کو ایک کرنے میں آسانی ہو اور عوام بھی ایک سمت کا تعین کر سکیں۔ اگر مندرجہ بالا واقعات غلط ثابت ہوں تو حکومت کسی بھی سزا یا بندش کی مجاز ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی۔ کم ظرف سیاسی فرعون، کم نظر معاشی کارون، رسمی روحانیت کے کم کوش ولیم باور، عاجلانہ فتوی بازی کا شوق رکھنے والے دشمن انقلاب، قابلی طبقے کے متشدد مسلکی پروہت جنہوں نے مسلک کے داخلہ خارجہ رجسٹر کا چارج سنبھال رکھا ہے، جب چاہا جسے چاہا دین سے خارج کر دیا، جسے چاہا داخل کر دیا، دین کے نام پر مسلک، مسلک کے نام پر فرقہ اور فرقہ کے نام پر نفرت کا زہر گھولا جانے لگا۔ آج کا مسلمان پریشان ہے کہ جائے تو کہاں جائے۔ دوسری طرف اگر عالمی حالات پر نظر ڈالی جائے تو دل دہل جاتا ہے۔ ملکی مفادات کی جنگ، قتل و غارت، ظلم و ستم، معاشی استحصال، غربت، مذہب سے دوری، قدرتی آفات، اور تیزی سے رونما ہونے والی ان تمام تبدیلیوں سے ایک عام انسان پریشان حال ہے۔ چار دیواری کا تحفظ، امن و سکون، بھائی چارہ نام کی چیز ناپید ہو چکی ہے۔ دنیا کے حالات نے جس طرف پلٹا کھایا ہے اس کی منزل تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ آج ہر مذہب کے لوگ کسی ایسے مسیحا کے انتظار میں ہیں جو انہیں غیر متاثر ہاتھوں کے چنگل سے نکال کر دنیا کو امن و سلامتی اور بھائی چارے کا گہوارہ بنا کر انسانیت کی لاج رکھ لے۔ سرکار گوہر شاہی کا اللہ کی محبت کا آفاقی پیغام بلا شبہ طبقے سے سکتی انسانیت کے لیے آب حیات ہے، جو دلوں سے قبولتیں، نفرتیں، بوس، حسد، کینہ اور فرقہ واریت کے بت پاش پاش کر کے انسان کو انسانیت رہا ہے۔ ہم تمام عالم انسانیت کو حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے بغیر کسی تمہ کے اس میں ذات اللہ کے روحانی فیض حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیے اپنے سینوں کو اس میں اللہ سے منور کرنے کے لیے اپنی قسمت آزمائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔ Hey, 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 hey